आपने कॉलेज कहाँ से कंप्लीट किया? NIT जयपुर। और आज का आपका दिन कैसा रहा कोड ग्लैडिएटर्स? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो आपका कोड ग्लैडिएटर में ये पहला साल है? सॉरी, आपका ये कोड ग्लैडिएटर में पहला साल है? पहला साल है मेरा। कौन सी लैंग्वेज आपने चूज करी? पहले मैंने सी में कोड किया, लेकिन बाद में मेरे को लगा दूसरे प्रोग्राम बहुत काफी टफ थी, तो मैंने सोचा जावा प्रेफर करनी चाहिए, दूसरी जावा प्रेफर की मैंने। तो आपकी कंपनी ने आपको भेजा या आपने खुद कोड ग्लैडिएटर में पार्टिसिपेट किया? अभी मैं कंपनी में काम ही नहीं कर रहा किसी में, तो मैं खुद नहीं ओपन पार्टिसिपेट कर रहा। तो आप अगले साल फिर से आना चाहेंगे कोड ग्लैडिएटर में? और आपकी प्रॉब्लम्स कैसे थी आज की? आज कितनी टफ कितनी इजी थी? पहली प्रॉब्लम तो मॉडरेट थी, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम काफ़ी टफ थी, काफ़ी मज़ा आया करके। और आप इस प्राइज मनी से क्या करने वाले हैं? सॉरी, आप इस प्राइज मनी से क्या करने वाले? सॉरी, आई आप इस इनाम की रकम से क्या करने वाले? अभी तो मैं मेरे खुद के लिए भी कुछ एप्लीकेशन बनाने की सोच रहा हूँ, उसमें इन्वेस्ट करूँगा, इसलिए मैंने कंपनी से रिजाइन भी कर दिया था। ओके, सो कोडर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? कोडर बनने के लिए सबसे बेसिक कंसेप्ट रहते हैं, जो हर लैंग्वेज के वो बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए, फंडामेंटल डाटा एल्गोरिथम आने चाहिए, वो आने चाहिए। ग्रेट, इन्जॉय करिए अपनी इवनिंग, थैंक यू सो मच।